हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों के बारे में बताने वाला हूं। और यह जो वैकेंसी है, लगभग 10,000 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब हम बात करते हैं कि लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में कितना पद हैं और कितने पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं, यह जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें तो 10,000 प्लस लगभग 10,000 पद हैं जैसे मैं देखा हूं। और 10,000 जो पद के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए विभिन्न विषय हैं, तो लाइब्रेरी साइंस में लगभग 70 या 80 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, यानी 50 से ज़्यादा हैं और 100 से कम हैं। इस तरह से लगभग 80 पदों पर लाइब्रेरी साइंस के विषय में लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी असिस्टेंट कैटलॉगर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और लगभग 80 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब ये 80 पद देखिए, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि एक मिनट में हमने वीडियो शुरू किया और फुल जानकारी हमें मिल जाए, तो ऐसा तो शायद पॉसिबल नहीं है। हो सकता है दूसरा यूट्यूबर, यानी जो हमारे भाई यूट्यूबर हैं, वो वीडियो बनाते हों तो मेरे से अच्छा बनाते हों और आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते भी होंगे। मैं तो, मेरा यही नियम है कि भाई हम स्टार्टिंग से चलते हैं और जो भी रिक्वायर हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, उन सभी के बारे में डिटेल जानकारी मैं बताता हूं। यह जो वैकेंसी है जिसमें लगभग 10,000 पद हैं और 10,000 पद के बारे में विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं, तो सभी पद के बारे में जानकारी लेने के लिए कम से कम तो आपको 10 मिनट वीडियो देखना पड़ेगा। यदि आप 10 मिनट से कम वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और यह वीडियो यदि क्वालिफिकेशन को अलग कर दूं, केवल हम पद की बात करें कि इतना इतना पद हैं और क्वालिफिकेशन के लिए अलग से वीडियो बनाएं, तो भी 20 मिनट से कम नहीं होगा, क्योंकि 22 पेज को पढ़ना, रीड करना और उसके बारे में बताना, वीडियो लंबा होगा ही होगा। तो आपको क्या करना है ऐसी कंडीशन में, जैसे हमारे प्रोफेशनल्स हैं, कोई नए हैं, जैसे कोई बिलीव किया है या कोई फर्स्ट टाइम अप्लाई करना चाहता है, तो अप्लाई करने की डेट बहुत कम है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपकी जो तिथि है 10 मई से लेकर और 25 मई के बीच में ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, तो इसी वीडियो पे और एक दो नहीं, कम से कम 10-12 आप कमेंट करेंगे, तो मैं तुरंत इस पे एक्शन लेकर और आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि 15 दिन का टाइम है, वो भी आज 12 तारीख है और हम 12 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ। कल 13 तारीख को आप शायद देख पाएंगे, क्योंकि अभी डेटा सारे ख़त्म हो गया है। हमें 4 GB से लेकर 10 GB तक डेटा पर देर लगता है, इंटरनेट डेटा तो अभी ख़त्म हो गया है, इसलिए अभी मैं अपलोड नहीं करूँगा, बट वीडियो बनाकर रेडी रखूँगा और सुबह 10 बजे तक आपको यह वीडियो मिल जाएगा सभी पदों के बारे में। लेकिन वीडियो 20 से 30 मिनट का होगा, इसके लिए 2 GB का वीडियो होगा और कम से कम अपलोड करने के लिए 4 GB डेटा लगता है या 6 GB डेटा लगाएगा यदि हम क्वालिटी में बनाते हैं तो। अदरवाइज विदाउट क्वालिटी का बनाएं तो 1 GB से कम में ही अपलोड हो जाएगा, बट वैसे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं, जो आप सुन तो सको लेकिन देख ना सको कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो ऐसे वीडियो का कोई फायदा नहीं रहता है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये वैकेंसी है, इसमें मैं अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हूँ और लाइब्रेरियन पद पर राजस्थान में कार्यरत हूँ। जब से मुझे सरकारी नौकरी लगी है उसके बाद से मैं यह चैनल के थ्रू वीडियो बनाना शुरू किया और अपने लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स को और जो भी अदर प्रोफेशनल्स हैं लाइब्रेरी के अलावा, सबको मैं एक साथ, यानी एक यूनिटी में जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। और मेरा यही प्रयास है कि आप सभी को सरकारी नौकरी लगे, चाहे जैसे भी हो, तो इसलिए सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो मैं ज़्यादा लाता हूं इस चैनल पर। तो यह जो वैकेंसी है सरकारी नौकरी के लिए है, और टाइम वेस्ट न करते हुए हम चलते हैं पद के बारे में कि विभिन्न पद में कौन कौन से पद हैं। मैं पद का नाम और पोस्ट बताऊँगा तो यह वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा होगा, और यदि हम कैटेगरी वाइज पद बताएं तो यह वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए कैटेगरी वाइज तो आप देख सकते हैं, बट मैं पद बता दूंगा, आपके पोस्ट बता दूंगा कि कौन सा पोस्ट है और इस पोस्ट के लिए कितने सीट वैकेंट हैं, यह जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चैनल के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, आपकी इच्छा हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन एक बात याद में रखना है कि तुरंत आप ज्वाइन होते हैं और 10 मिनट बाद एग्जिट हो जाते हैं, उसके बाद से आप तुरंत आप दोबारा ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। अब 2-3 दिन आप ट्राई करेंगे, फिर से नहीं हो पाएगा तो मेरे पास फ़ोन आता है कि सर आप इस नंबर को ऐड करें। तो देखिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो रहे हैं तो 2-4 दिन आप देख लीजिए, यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो स्वतः अपने खुशी से आप
व्हाट्सएप ग्रुप से निकल सकते हैं। इसमें कोई यहाँ बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आपको रहना ही रहना है, ये तो आपकी खुशी की बात है, हमारे तरफ से ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की तिथि के बारे में। तो यह जो लैंग्वेज है थोड़ा सा महाराष्ट्र जो है उसी लैंग्वेज में थोड़ा सा मिक्स करके लिखा गया है हिंदी में, इसलिए आपको पढ़ने में भी समझ में कम आएगा, क्योंकि इसमें इस तरीके से लिखा गया है कि आप कम समझ पाएंगे और हो सकता है कि आप मेरे से ज़्यादा भी समझ पाएं। तो देखिए हम बात करते हैं पद के बारे में। तो ऑनलाइन आवेदन करने के जो दिनांक है 10 मई 2023 से शुरू हो गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 10 मई 2023 तक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद यानी 10 मई से लेकर 25 मई के बीच में भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना है और एप्लीकेशन शुल्क भी जमा करना है। इसके अलावा आपका जो परीक्षा के लिए जो प्रवेश पत्र उपलब्ध कराया जाएगा यानी उपलब्ध होगा, तो वेबसाइट का यह जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सॉरी, जो भी इस चैनल के थ्रू वीडियो बनाई जाती है सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दी जाती है, तो यह लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जहां से डिटेल जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि यह जो वैकेंसी है, तो पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 7 है और 7 पे लेवल के अनुसार भी सैलरी की बात करें तो सैलरी कम नहीं होती है। अब हम सैलरी हटाकर बात करते हैं विभिन्न पद के लिए। तो देखिए यह जो वैकेंसी आया है मुंबई में आया है, लेकिन मुंबई के विभिन्न सचिवालय के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है यानी सचिवालय वैद्यकीय शिक्षण संशोधन में आवेदन आमंत्रित हैं। और इसमें पद की बात करें तो प्रयोगशाला सहायक के लिए 170 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और सैलरी 29,700 से लेकर 69,900 रुपये हैं, क्योंकि अशुद्ध हिंदी लिखा है इसलिए आपको भी समझने में इतना ही प्रॉब्लम आएगा जितना कि मुझे वीडियो बनाने में आ रहा है। तो यह सैलरी से रिलेटेड डिटेल जानकारी है। अब यहाँ पे पद दी गई है कि महिला के लिए कितना है, साधारण के लिए कितना है, खिलाड़ी के लिए कितना है, सैनिक के लिए है, यानी सभी के लिए कैटेगरी वाइज रिजर्व की गई है और कुल पद 160 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं और इधर कैटेगरी वाइज इंग्लिश में इंडिकेट किया गया है। यह तो सब जानकारी आपको देख रहे हैं और पता भी कर पाएंगे। अब हम लेकर चलते हैं इसके अलावा जो वैकेंसी आई है प्रयोगशाला में, यानी अगला जो हमारा पोस्ट है सेकेंड नंबर में प्रयोगशाला तंत्रज्ञ के लिए है। ये मराठी लैंग्वेज में लिखा है इसलिए आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। कुल पद की बात करें तो कुल 112 पद हैं, यानी कुल पद को यहाँ पे एकूण पद बोलते हैं मराठी में, इसलिए 112 पद हैं और वेतनमान 13 के अनुसार 35,400 से लेकर 112,400 रुपये इस पद के लिए सैलरी मिलने वाला है और कुल पद 112 हैं। कैटेगरी वाइज पद आपको सेल्फ देखना है। तीसरे नंबर में जो पद हैं लाइब्रेरियन के लिए हैं, और अभी मैं आपसे कह रहा था कि लाइब्रेरियन के लिए लगभग 80 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। सॉरी, तो कैटेगरी वाइज तो आप डिटेल देख सकते हैं, हमें पता है। तो देखिए तीसरे नंबर का जो पद हैं लाइब्रेरियन के लिए हैं, इसमें ग्रंथपाल के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और कुल 12 पद हैं। सैलरी की बात करें इस 12 पद के लिए सैलरी तो L14 का पद है और 38,600 से लेकर 122,800 रुपये पर मंथ सैलरी मिलने वाला है और कुल पद 12 हैं। कैटेगरी वाइज डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है मारवाड़ी यानी मराठी लैंग्वेज में, उस तरह से हमें लगता है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम भी यदि आपको मराठी या मारवाड़ी नहीं आता है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगला जो हमारा पद है चौथे नंबर पर स्वच्छता निरीक्षक के लिए हैं और कुल 9 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। L8 का पद है, 25,500 से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। आप पद की काउंटिंग करते रहिए, मैं बताता जाता हूँ, लगभग 10,000 के आसपास पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। अगला जो हमारा पद है ECG यंत्रक के लिए हैं और कुल पद 36 हैं। सैलरी के लिए L13 यानी S13 के अनुसार 35,400 से लेकर 112,400 रुपये पर मंथ सैलरी है। कैटेगरी वाइज पदों के बारे में आपको डिटेल जानकारी देखना है। इसके अलावा महिलाओं के लिए खिलाड़ी के लिए कितने परसेंट आरक्षण में रखा गया है यह भी जानकारी आपको देखना है, क्योंकि यह सब जानकारी बताएंगे तो यह वीडियो दो घंटे का होगा और जब लंबा वीडियो होता है तो कोई देखता नहीं है, इसलिए हम वीडियो बनाते हैं कि सभी लोग देखें। अगला जो पद है आहार तज्ञ का पद है, कुल 18 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं।
वेतन स्तर S14 के अनुसार और 38,600 से लेकर 1,12,800 रुपये पर मंथ सैलरी है इस पद के लिए। अगला जो हमारा पद है औषध निर्माता के लिए है, औषध निर्माता का पद है और कुल पद 169 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। L10 का पद है और मराठी के हिसाब से अलग है लेकिन L10 का पद है और 29,200 से लेकर 92,300 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। यह जो वैकेंसी है प्राइवेट नहीं है, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। ये ना सोचें कि सरकारी नौकरी के लिए है, सॉरी प्राइवेट नौकरी के लिए है। अगला जो वैकेंसी है लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में बड़ी वैकेंसी है, तो जो वैकेंसी का नाम है जो सीरियल नंबर 8वें पे है, डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट या कैटलॉगर या प्रलेखाकार या ग्रंथ सूचीकार पद का नाम है। कुल 19 पदों पर आवेदन आमंत्रित की गई है और L6 का पद है 19,990 से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ सैलरी है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पद हैं जो रिजर्व की गई है, यानी महिला के लिए रिजर्व है, खिलाड़ी के लिए हैं, इसी तरह से सैनिक के लिए भी रिजर्व की गई है। यह रिजर्वेशन है सभी कैटेगरी में है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला जो हमारा पद है उसकी बात हम करते हैं, तो 9 सीरियल नंबर 9 में समाज सेवक अधिकारी वैद्यकीय के लिए 83 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं और L14 का पद है। सैलरी L14 के अनुसार 38,600 रुपये यानी 38,600 से लेकर 1,12,800 रुपये पर मंथ सैलरी है। कैटेगरी वाइज डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। कुल पद की हम बात करें तो 83 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। अगला जो सेकेंड वैकेंसी है फिर से लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है और यह जो पद हैं 16 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। सैलरी की बात करें L6 के अनुसार तो 19,900 से लेकर 63,200 रुपये सैलरी है। यह सैलरी बहुत अच्छी है क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए यह जो सैलरी है बहुत अच्छी है और यदि आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जो स्क्रीन पर आप देखते हैं वैसा नहीं है। अभी लाइब्रेरी साइंस के और भी पद हैं नीचे जो मैं बताऊंगा, आप सोच लें कि हम लाइब्रेरी साइंस का थोड़ी सी पद बता दिया तो हो गया, ऐसी बात नहीं है। वीडियो को तो पूरा देखेंगे तो पूरा जानकारी मिलेगा, आधा देखेंगे तो आपको आधा जानकारी मिलेगा, डिपेंड आपके ऊपर है कि आपको फुल वीडियो देखना है या हाफ वीडियो देखना है। अगला जो वैकेंसी है इसकी हम बात करते हैं, तो सीरियल नंबर 11 में जो वैकेंसी है व्यवसाय योग पश्चातज्ञ यानी व्यवसाय जो तंत्रक होते हैं उनके लिए आवेदन आमंत्रित हैं और कुल 7 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। सैलरी L14 के अनुसार सेम है, जो L14 का सैलरी ऊपर में बताया था वही सैलरी है। अगली जो वैकेंसी है सीरियल नंबर 12 में दूरध्वनि चालक के लिए है और कुल 16 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। दूरध्वनि चालक मतलब ड्राइवर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, कुल 16 पद हैं और सैलरी 29,700 से लेकर 69,900 रुपये तक हैं, 69,900 रुपये हैं, 900 या 100 रुपये हो सकता है क्योंकि शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, इस तरह से इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। अब हम आते हैं यहाँ पे जो वैकेंसी है इस वैकेंसी के बारे में, तो यह वैकेंसी यहाँ से दूसरा हम पार्ट में आते हैं। यहाँ में लिखा है कि महिला अधीक्षिका वार्डन या वसतिगृह प्रमुख, वसतिगृह अधीक्षिका या अधीक्षिका यानी अधीक्षक के लिए कुल 4 पद हैं और 4 पद के लिए सैलरी इसमें है। सैलरी 29,200 से लेकर 92,300 रुपये हैं। L13 के अनुसार सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये हैं। दो कैटेगरी का पद हैं, यह आपको चूज करना है, अप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो अब हम बात करते हैं अगली जो वैकेंसी है इस वैकेंसी के बारे में, तो यह जो वैकेंसी है इस पद का नाम है अंधार खोली सहायक का पद है। ये मारवाड़ी में लिखा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। कुल 10 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। सैलरी है 19,100 से लेकर 63,200 रुपये सैलरी हैं और कुल 10 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। अगला जो हमारा पद है उसकी हम बात करते हैं, तो अगला पद है किरण सहायक यानी 6 किरण सहायक के लिए 23 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। सैलरी की हम बात करें तो 21,700 से लेकर
61,100 रुपये तक हैं या 69,100 रुपये हैं, क्योंकि शुद्ध हिंदी में इसमें लिखा गया है, जो हमें भी पढ़ने में दिक्कत आ रही है, आपको भी आएगा, आप भी टेंशन ना लीजिए। अब हम बात करते हैं अगला जो वैकेंसी है, सांख्यिकी सहायक के लिए हैं और कुल पद 3 हैं। सैलरी की बात करें तो 35,800 रुपये से लेकर 81,100 रुपये सैलरी है। L8 का पद है। कैटेगरी वाइज डिटेल जानकारी आपको देखना है। अब हम बात करते हैं अगली वैकेंसी के बारे में, तो दंत आरोग्यक यानी दांत के जो अधिकारी होते हैं उसके लिए आवेदन आमंत्रित हैं। कुल 12 पद हैं। L8 के अनुसार सैलरी सेम है जो अभी मैं बताया था। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जो अगला पद है इस वैकेंसी में, तो भौतिकोपश्चातज्ञ का पद है, यानी भौतिक कोषाधिकार का हो सकता है पद। कुल 22 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। सैलरी 38,600 से लेकर 112,800 रुपये हैं। L14 का पद है। अगला जो पद है, दत्त तंत्रक के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। कुल 6 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। सैलरी जो है 29,200 से लेकर 92,300 रुपये तक हैं। इसके बाद अगली हम वैकेंसी की बात करते हैं। 22 पेज का यह केवल वैकेंसी दी गई है, इसमें क्वालिफिकेशन ऐड नहीं है जो मैं बता रहा हूं, इसलिए जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब लाइब्रेरियन की एक और बड़ी वैकेंसी है, यानी सहायक लाइब्रेरियन या असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए कुल 11 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं और सैलरी जो है L10 के अनुसार जो सैलरी ऊपर मैं बताया हूँ वही सेम सैलरी है इस पद के लिए। इसके अलावा छाया चित्रकार या नील कलाकार या छाया चित्रकार के लिए 26 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। L10 के अनुसार सैलरी सेम है जो ऊपर मैं बताया हूँ। अगली जो वैकेंसी है सरोवर मापक तंत्रम के लिए आवेदन आमंत्रित हैं या आर्डियोलॉजी के लिए हैं या आर्डियोमेट्रिक तंत्र के लिए कुल 4 पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। सैलरी L13 के अनुसार जो ऊपर बताया गया है वही सैलरी है L13 के अनुसार। अगला जो पद है विद्युत जनित चालक यानी जनरेटर ऑपरेटर का पद है और कुल 6 पद हैं। सैलरी L6 के अनुसार सैलरी अभी मैं बताया हूँ कुछ टाइम पहले वही सेम सैलरी है। अगला जो पद है नेत्र चिकित्सा सहायक के लिए हैं और कुल 2 पद हैं। सैलरी L10 के अनुसार जो मैं बताया था L10 की सैलरी उसी वही सेम सैलरी है L10 पद के लिए। अगला जो पद है इसकी हम बात करते हैं, यह जो वैकेंसी है डायलिसिस तंत्र के लिए कुल 8 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। L13 के अनुसार सैलरी जो मैं बताया हूँ ऊपर वही सैलरी है। कैटेगरी वाइज डिटेल जानकारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देखना है। अगला जो वैकेंसी है शारीरिक शिक्षा निर्देशक या शारीरिक प्रशिक्षण निर्देशक के लिए कुल 3 पद हैं। L14 के अनुसार सैलरी जो मैं बताया हूँ वही है। अगला जो पद है CP के लिए कुल 14 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं और सैलरी L6 के अनुसार जो मैं बताया हूँ वही सेम सैलरी है। अब सहायक दंत तंत्रक यानी टूथ हेल्पर के लिए यानी अधिकारी या वैज्ञानिक के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। कुल 4 पद हैं। L8 का पद है और L8 के अनुसार सैलरी में आपको बताया हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि मोल्डरम तंत्रज्ञ के लिए 3 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। L10 के अनुसार सैलरी जो ऊपर बताया हूँ वही है। लोहार सांधता ये कुल के लिए 3 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। ये कुल मतलब कुल पद 3 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। L6 के अनुसार सैलरी में ऊपर जो बताया हूँ वही है। वाहन चालक के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और वाहन चालक के लिए कुल 34 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। L6 का पद है और L6 पद के अनुसार सैलरी में बताया हूँ वही सेम सैलरी है इस पद के लिए। जो 32 नंबर का जो पद है गृह विभाग यानी गृहनी वस्त्रपाल या गृहपाल या लीनर कीपर के लिए 16 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। L6 का पद है और इसी के अनुसार सैलरी भी L6 पद के अनुसार मैं बताया हूँ। किरण तंत्रज्ञ के लिए कुल 3 पद पर आवेदन आमंत्रित है। इस पद के अनुसार सैलरी S13 है और S13 के अनुसार सैलरी मैं बताया हूँ वही है। अब हम बात करते हैं सुतार के लिए 13 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। L6 के अनुसार सैलरी मैं ऊपर बताया हूँ, आप देखते आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सैलरी आपकी कितना मिलने वाली है। कटारी बी जोदारी मिस्त्री यानी बैच फीटर
के लिए कुल 7 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। L6 का पद है और सैलरी जो मैं बताया हूँ वही मिलने वाला है। इसके अलावा अधिपरिचारिका के लिए कुल 3,974 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, यानी अधिपरिचारिका के लिए कुल 3,974 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। L13 का पद है और इस पद के अनुसार एक बार सैलरी मैं बता देता हूँ, 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ सैलरी है। कैटेगरी वाइज पदों के बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। कल वीडियो देखने के उपरांत यदि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाए तो आपको फटाफट वीडियो पे कमेंट करना है, और जितना ही कमेंट आएगा उस वीडियो पे, यानी इस वीडियो पे, उतना ही जल्दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए मैं वीडियो बनाकर और अपलोड कर दूंगा, और इसको देखकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अपने मोबाइल से फिल कर पाओगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं अगली वैकेंसी के बारे में। तो उच्च श्रेणी लघु लेखक बृह मुंबई यानी बाहेरील पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। कुल 2 पद हैं और L14 के अनुसार सैलरी मिलने वाली है। अगला जो हमारा पद है निम्न श्रेणी लघु लेखक के लिए हैं, और इसमें कुल पद की हम बात करते हैं तो कुल 28 पद हैं। L14 के अनुसार सैलरी मिलने वाला है। इसके अलावा लघु टंक लेखक के लिए कुल 36 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। L8 के अनुसार सैलरी मिलने वाली है, जो डिटेल जानकारी में बताया हूँ। सॉरी, L37 पदों पर, कुल 36 नहीं है, 37 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, क्योंकि इतना शुद्ध हिंदी और ये महाराष्ट्र लैंग्वेज में लिखा है तो थोड़ा आपको भी परेशानी होगी पढ़ने में। अब हम बात करते हैं अगली पद के बारे में। तो अगला जो पद है अधिपरिचारिका के लिए 146 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। L13 के अनुसार सैलरी सेम है जो मैं ऊपर से बताते आ रहा हूं। अगला जो पद है उसकी हम बात करें तो वाहन चालक के लिए 14 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। L6 के अनुसार सैलरी मिलने वाला है। प्रमुख यांत्रिक एकूण के लिए 1 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं, सैलरी सेम है। L8 के अनुसार सैलरी सेम है। इसके अलावा विजयंत्री के लिए 1 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं, L8 के अनुसार सैलरी सेम है। प्रयोगशाला तंत्रक के लिए कुल 11 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, और L13 के अनुसार सैलरी जो ऊपर बताया हूँ वही सैलरी है। अभी आपको पीछे नहीं हटना है, अभी तो बहुत है, अभी क्वालिफिकेशन भी इसका बताना है, इसलिए वीडियो बड़ा होगा। मिश्रण के लिए कुल 10 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। L10 के अनुसार सैलरी ऊपर मैं बताया हूँ, वही रेशियो इस पद के लिए भी लगेगा। इसके अलावा बसती गृह अधिक के लिए अधीक्षक के लिए कुल 5 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा बसती गृह अधीक्षक पुरुष के लिए 3 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। प्रयोगशाला सहायक के लिए कुल 5 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। L7 के अनुसार सैलरी सेम है। इसके अलावा वरिष्ठ लिपिक यानी UDC के लिए जो हैं कुल पद 12 हैं, और L8 के अनुसार सैलरी मैं बताया हूँ वही सैलरी मिलने वाली है। इसके अलावा आहार तंत्र के लिए कुल 1 पद हैं, सैलरी जो मैं बताया हूँ उसी के आधार पर सैलरी मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं लाइब्रेरियन के लिए। तो लाइब्रेरियन के यहाँ पे 1 पद हैं L10 के अनुसार, जो सैलरी मैं ऊपर बताया हूँ वही सैलरी मिलने वाली है। अब सहायक ग्रंथपाल यानी सहायक असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए कुल 5 पद हैं और L7 का पद है। L7 के अनुसार सैलरी 29,600 से लेकर 69,100 रुपये हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा संग्रह पड़ताल के लिए 2 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। इसके बाद हम बात करें तो किरण तंत्रज्ञ के लिए 2 पद पर आवेदन आमंत्रित है। किरण सहायक के लिए 1 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा संग्रहपाल के लिए कुल 8 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। L6 का पद है और L6 के अनुसार सैलरी मैं ऊपर बताया हूँ। अभी हम आ गए हैं 18 पेज पे आए हैं, अभी 22 पेज तक केवल वैकेंसी है, उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन अदर डिटेल जानकारी देखना है। अब अगला डिपार्टमेंट है पुणे का, यानी महाराष्ट्र का अगला डिपार्टमेंट की बात करें तो मानसिक आरोग्य केंद्र पुणे में यह आवेदन आया है, और इसमें उच्च श्रेणी लिखक यानी UDC के 1 पद हैं और सैलरी जो है S14 के अनुसार सैलरी मिलने वाली है, E15 के अनुसार सैलरी मिलने वाली है। इसके अलावा सेकेंड पद है अधिपरिचारिका के लिए हैं, कुल 3 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। सहायक ग्रंथालय के 1 पद हैं और सैलरी L10 के अनुसार जो मैं बताया हूँ वही सैलरी है। अब अगला पद हम बात करते हैं कि वयोमर्यादा के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। इसमें किमान व्यय के लिए जो है 55 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है।
इस तरह से आप यहाँ पे आते हैं तो सामान्य निर्देश दिया है, सामान्य निर्देश भी पढ़ना आपके लिए जरूरी है। तो देखिए हमारे पास तो टाइम कम रहता है, बट मैं वीडियो जरूर बनाता हूँ और इस वीडियो को आपको क्या करना है कि 10,000 तक ले जाना है, 10,000 व्यू आना चाहिए इस वीडियो पे, क्योंकि जितना ही व्यू आएगा उतना ही जल्दी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और उतना ही लाइब्रेरियन से रिलेटेड या जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहूँगा। जब तक आप इस चैनल को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक इस चैनल पे उस रीडम का वीडियो नहीं बन पाएगा। ये चैनल जैसे ही आगे बढ़ेगा, 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे उसके बाद से यह चैनल फॉर्म में आ जाएगा और इस चैनल के थ्रू जो वीडियो बनाई जाएगी एकदम सटीक जानकारी दी जाएगी, फेस टू फेस वीडियो बनाई जाएगी, आपसे कम्युनिकेशन भी किया जा सकेगा, लाइव क्लासेस भी चलाई जा सकती है। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में जो प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को हम लाइव क्लासेस के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर की जरूरत है और मेंबर कहाँ से मिलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में और वीडियो को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें कि लाइव क्लासेस चालू हों। तो आप एक बार देख लें कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए कंप्यूटर के थ्रू आपको दिखा दूंगा, फीस पे करके दिखा दूंगा, सारे प्रोसेस करके दिखा दूंगा, जिससे कि आप भी सारी जानकारी अपने हाथ से करना सीख जाएंगे, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए सब डिटेल जानकारी दी गई है, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन। तो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन को आपको अच्छे से ही पढ़ लेना है। पद की जो संख्या है वो पद की संख्या इसमें दी गई है, टोटल पद काउंट करें तो हम 10,000 से 10,000 प्लस पदों पर आवेदन सहित आमंत्रित किया गया है। और इसमें जो जानकारी है, इसमें एप्लीकेशन शुल्क की हम बात करें तो देखिए इसमें शुद्ध हिंदी लिखा है, अभी तो एप्लीकेशन शुल्क नहीं दिख रहा है, बट मैं सोच रहा हूँ कि यदि आप इस वीडियो को व्यू ज़्यादा आता है, 1,000-2,000 व्यू आता है, तो मैं यदि एक दिन में 1,000 व्यू आता है और दूसरे दिन 2,000 होता है, तो जल्द से मैं 2 दिन के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए वीडियो बना दूंगा और साथ में क्वालिफिकेशन कितना रहेगा उस पद के लिए वो भी साथ में बताते जाऊँगा, तो आपको एक और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। यानी एक ही वीडियो देखेंगे और क्वालिफिकेशन देख लेंगे तो आपका डिटेल जानकारी पूरा हो जाएगा। अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि जो लाइब्रेरियन का पद है वो बैचलर डिग्री लेवल पे है, यानी बिलीव वाले या पेयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं और पेयरिंग में वो अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सब डिटेल जानकारी अभी देखना है मुझे। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो जरूरी बात है कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है, जो ये 10,000 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो संचालनालय वैद्यकीय शिक्षण अणि संशोधन मुंबई में यह आवेदन आमंत्रित किया गया है। और इसके बारे में मैं इंग्लिश में बता दूं आपको कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में कुछ इसी टाइप का नाम है जो मैं आपको बता दूंगा। पहले तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि यह जो वैकेंसी आई है इस वैकेंसी में आप ज़रूर अप्लाई करें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि किस के नौकरी से यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़ रहे हैं और किसका वीडियो आपके लाइफ में सेट करेगा यह कोई नहीं जानता है, ये तो भगवान ही जानते हैं कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं और कौन सा वीडियो देख रहे हैं जो आपके सूटेबल का